बाबू जी, महबूबा मुफ्ती के जम्मू पहुंचते ही जो है यहाँ पर बजरंग दल द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। ये तस्वीरें आप देखें, काले झंडे जो है वो बजरंग दल द्वारा महबूबा मुफ्ती को यहाँ पर दिखाए गए। और ये तस्वीरें आप यहाँ से देखें, आप बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, काले झंडे दिखाए गए। हाल ही में डिलिमिटेशन कमीशन से बात करने से भी मना कर दिया। ऐसे देश की नागरिक हो, अगर देश के संविधान को मानती हो, अगर देश के साथ सर अंदर हो तीन दिवसीय दौरे पर महबूबा मुफ्ती आज जम्मू पहुंची है। उनके जम्मू पहुंचते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाकर जम्मू में स्वागत किया है। आपको बता दूं कि परिसीमन आयोग के समय जम्मू में हैं और जो मीटिंग जो है वो तमाम पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल नेताओं के साथ की जा रही थी, उसमें महबूबा मुफ्ती शामिल नहीं हुई थी। उनकी पीडीपी जो पार्टी है वो भी शामिल नहीं हुई है। और जिस तरह से पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का समर्थन महबूबा मुफ्ती लगातार करते हुए नजर आते हैं, उसी के खिलाफ आज बजरंग दल ने महबूबा मुफ्ती का काले झंडे दिखाकर यहां पर प्रदर्शन किया है। अब तस्वीरें मेरे पीछे आप देखें, अभी भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हाथों में यहां पर काले झंडे आपको दिखाई देंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर तैनात थी ताकि कोई बड़ा हंगामा यहाँ पर ना हो सके। ये देखिए काले झंडे, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है उनके हाथों में काले झंडे हैं और इन्हीं काले झंडों को दिखाकर महबूबा मुफ्ती का जम्मू में स्वागत किया गया। तो बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर अभी भी यहाँ पर लगातार महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज महबूबा मुफ्ती तीन दिन के दौरे पर जम्मू पहुंची हैं और आज आपने महबूबा मुफ्ती को काले झंडे दिखाकर यहाँ पर स्वागत किया, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले कल सुंदरबनी में हमारे दो सैनिक जो है वो शहीद हुए, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान जी से आशा करता हूँ कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आज हम यहाँ पर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ में विरोध करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं एयरपोर्ट पे। देखिए, महबूबा मुफ्ती लगातार जो है पाकिस्तान के समर्थन में बात करती नजर आई हैं, चाहे वो आल पार्टी मीटिंग से पहले हो चाहे बाद में हो। कश्मीर में जाके उसने एक ही बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, जब केंद्र सरकार लगातार कह चुकी है कि गोली और बोली एक साथ नहीं होंगे, तो वो किस लिए दबाव डालने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार के ऊपर? देखिए, उसके जो इन्होंने गुपकार गैंग बनाया उसमें भी जितनी उनकी 6 पार्टियां थी, 6 में से 5 पार्टियां इससे किनारा कर चुकी हैं इसके बयानों से, तो उसको समझना चाहिए कि वो देश हित में बात नहीं कर रही है। लेकिन लगातार उसकी जो बयानबाजी है उससे आतंकवादियों के मंसूबे जो हैं वो हाई होते हैं और लगातार आतंकवादियों द्वारा जो वारदातें हैं वो पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हैं जब से इन्होंने बयानबाजी की है। अब जम्मू के अंदर भी आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, पुलिस को मैं अप्रिशिएट करूंगा जिस प्रकार से उन्होंने यहां पर आतंकवादियों को पकड़ा है, लेकिन पिछले दिनों एयरपोर्ट स्टेशन के ऊपर भी जो है 2 बम धमाके किए गए और वो किस प्रकार से किए गए वो सब आपको मालूम है। तो इस प्रकार से आतंकवादियों के समर्थन में रहना ये देशद्रोही कहलाता है। तो देखिए, मैं इसलिए भी विरोध कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती लगातार आज तक कभी भी किसी सैनिक को श्रद्धांजलि देती नज़र नहीं आई हमें, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो चाहे ऐसे हो, उसने आज तक किसी सैनिक को श्रद्धांजलि नहीं दी, लेकिन लगातार आतंकवादियों के घर में जाती नजर आई वो। तो ये रिश्ते क्या कहलाते हैं ये तो क्लियर है। उसके कुछ लीडर वो हवाला फंडिंग में जेल में हैं, आतंकवादियों के साथ उनके पैसे का लेन देन ये सारा सामने आ चुका है। तो ऐसे देश विरोधी नेताओं को जम्मू की धरती के ऊपर कदम नहीं रखने देना चाहिए सरकार ने, क्योंकि ये राष्ट्रवादी लोगों की धरती है, राष्ट्रहित में बात करने वाले लोगों की, तिरंगे का सम्मान करने वाले लोगों की धरती है, जो तिरंगे के लिए जीना मरना जो है वो जानते हैं। और ऐसे देशद्रोही लोगों को यहाँ की धरती के ऊपर कदम रखने देना ये सरकार का बहुत बड़ा विफलता नजर आती है। परिसीमन आयोग पिछले 4 दिनों से जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, महबूबा मुफ्ती ने किनारे किया, वो परिसीमन आयोग के जो सदस्य यहाँ पर आए उनके साथ मुलाकात नहीं की, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री अगर परिसीमन आयोग से मुलाकात नहीं करती हैं, वो जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा करने आए, अगर महबूबा मुफ्ती उनसे किनारा करती हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये दिखता है कि वो पाकिस्तानी समर्थक हैं? देखिए, कश्मीर के अंदर भी छोटे बड़े 100 से ज़्यादा राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठनों ने परिसीमन आयोग से बातचीत की, जम्मू के अंदर भी लगातार कल भी और आज भी जो है वो बातचीत जारी है, उससे पहले किश्तवाड़ में भी बातचीत हुई।
लेकिन जब छोटे बड़े राजनीतिक गैर राजनीतिक लोग जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, तो इनको बातचीत करने से क्या था, इनको क्या परहेज था बातचीत करने से? पाकिस्तान से बातचीत हो सकती है लेकिन परिसीमन आयोग से बातचीत नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ बातचीत करवाना चाहते हैं लेकिन परिसीमन आयोग से बातचीत नहीं करना चाहते, जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की एक जज हैं, जो हमारे देश का सबसे बड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट है उसकी रिटायर्ड जज हैं जो उसको लीड कर रही हैं, उनसे बातचीत नहीं कर सकती। इसका मतलब साफ है कि वो देश के संविधान और कानून को मानती नहीं है, तो इससे यही क्लियर होता है। इसलिए ऐसे लोगों को के लिए केवल जेल है और जेल के पीछे ही इनको रखना चाहिए। जिस प्रकार से इनको यहाँ पर जम्मू की धरती के ऊपर खुला छोड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इनका दौरा रद्द करके इनको कश्मीर भेजा जाए और इनको हिरासत, पहले भी हम मांग कर चुके हैं कि ऐसे नेता जिनके नेता जो हैं वो हवाला पंडिंग में जेल में हैं, ये कई महीने जो हैं जो साल से ऊपर जो हैं ये PSA के तहत बुक रही हैं, तो जब तक ये PSA के तहत बुक रहे तो जम्मू कश्मीर जो है वो शांति की, यहाँ के लोग शांति की ज़िंदगी जी रहे थे, कहीं भी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई, ना ही यहाँ पर कोई ऐसा बवाल हुआ। और जिस प्रकार जैसे ही इनको रिहा किया उसके बाद ही यहाँ के हालात जो हैं वो कुछ के कुछ हो रहे, तो इसलिए इससे अच्छा है जब जम्मू कश्मीर के लोग सही तरीके से जी रहे थे, तो ऐसे लोगों को अगर उनको सहूलियत देनी है तो ऐसे लोगों को जेल के अंदर ही रखना जो है वो बहुत जरूरी है। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनको तिहाड़ जेल में भेज दिया जाए। बातचीत करने के लिए तो महबूबा मुफ्ती की अगर बात की जाए तो पहले दिन से ही पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के समर्थन में रहती हैं, और जब एक हाई लेवल मीटिंग होती है दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई जाती है, उस मीटिंग में भी ये धारा 370 की वापसी की मांग करते हैं और पाकिस्तान से बातचीत की बात करते हैं। जहाँ पर पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश करता है, तो अब जब तक आतंकवाद खत्म नहीं करेगा, पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती, और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती बार बार पाकिस्तान का जो है नाम लेती हैं, उनके बातचीत करने का समर्थन करती हैं, उसके बाद आज महबूबा मुफ्ती जम्मू की धरती पर पहुंची हैं, लेकिन बजरंग दल द्वारा उनका स्वागत जो है वो काले झंडे दिखाकर किया गया और साफ तौर से मांग की गई है कि जब तक महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए का समर्थन को वापसी नहीं लेती, जब तक पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को फैलाना बंद नहीं करता, तब तक जो है वो बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं होनी चाहिए। बन रहे द पब्लिश के साथ, धन्यवाद।